हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ऐसे क्लेम्स जरूर देखे होंगे कि संस्कृत वर्ल्ड की मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। संस्कृत कंप्यूटर्स के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। संस्कृत एक लैंग्वेज है जो नासा में यूज की जाएगी। हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा साइंटिफिक है, हिंदी इंग्लिश से बेटर लैंग्वेज है। ऐसे बहुत सारे आपने अलग अलग क्लेम्स देखे होंगे यार। कहीं ना कहीं इतने सारे क्लेम्स हैं तो कुछ ना कुछ उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही। हालांकि हम डिस्कस करेंगे इनमें से कौन सा क्लेम सही है, कौन सा क्लेम गलत है। कुछ तो ऐसे भी क्लेम्स हो सकते हैं जो न्यूज़ में आए हों, लेकिन अगर हम उन्हें ऑफिशियली देखें, रियल लाइफ में जो रियल डाटाज थे उनके अकॉर्डिंग उनमें कितना चेंज किया गया, क्या है। कुछ आपने ऐसे भी क्लेम्स देखे होंगे दोस्तों कि नासा में इंडिया के इतने परसेंट साइंटिस्ट हैं। कुछ लोग बोलते हैं 40%, कुछ लोग बोलते हैं 35%। इस टाइप के आपने क्लेम्स देखे होंगे। तो चलो दोस्तों, ये एक लॉजिकल वीडियो होगी और हम एक बार रियलिटी को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। हाँ, अगर हमारी लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस से बेटर हैं तो कैसे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। देखो दोस्तों, आपके अगर स्पेशल फीलिंग्स हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए तो उन फीलिंग्स को थोड़े टाइम के लिए हटा दो और लॉजिकल बन जाओ। देखो दोस्तों, अब मैं दो लैंग्वेजेस ले रहा हूँ, एक इंग्लिश और एक हिंदी। चलो, जो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ है, जो आम चीज़ है, वो है प्रोनंसिएशन। हम मतलब इनका उच्चारण कैसे होता है, इन्हें कैसे बोला जाता है, उसके बेसिस पे एक बार इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। चलो इंग्लिश पे आते हैं एक बारी। BUT इज बट, लेकिन PUT इज पुट। मतलब कि BUT में जो बीच में यू था, इसकी जो प्रोनंसिएशन थी वो अ थी, लेकिन PUT में जो बीच में यू था इसकी प्रोनंसिएशन ऊ थी। मतलब अ और ऊ अलग हो गई। इस चीज का कोई भी रिटर्न ऑफिशियल आधार नहीं है, कोई रिटर्न बेस नहीं है ये अ क्यों है और ये ऊ क्यों है। अब आते हैं दोस्तों हिंदी पे। जो वर्णमाला है, बेटर इसे तुम अल्फाबेट्स कह लो, ठीक है। जो अल्फाबेट्स हैं, क ख ग घ जो भी हैं, देखो हर एक की एक फिक्स साउंड होती है। हर एक की पहले से डिसाइडेड एक साउंड होती है कि इसकी यही साउंड होगी हर एक की। अब तुम उन्हें कैसे भी जोड़ लो, कैसे भी जोड़ के लिख लो, कैसे भी जोड़ के एक नया वर्ड बना लो, क्योंकि हर एक की एक फिक्स साउंड है। जो मात्रा वात्रा जो भी, हर एक की एक फिक्स साउंड है, ऑटोमेटिकली उस शब्द की एक साउंड बन जाएगी, एक प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी ऑटोमेटिकली, और वही होगी और सब जगह वही यूज होगी, क्योंकि है ही वो, क्योंकि लैंग्वेज ने उस प्रोनाउंसिएशन को डिफाइन किया है उस वर्ड के लिए। लैंग्वेज का आधार ही कुछ ऐसा है। मतलब तुम कोई भी वर्ड लिख दोगे खुद से भी हिंदी में तो उसकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप बन जाएगी। लैंग्वेज का बेस ही कुछ ऐसा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में अगर खुद से कोई वर्ड, मान लो आज ऑक्सफोर्ड कोई वर्ड डिफाइन करती है, तो बहुत टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंट्री में किसी वर्ड की कोई प्रोनाउंसिएशन है, मान लो कि जैसे रेस्टोरेंट, ठीक है, एक वर्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है रेस्टोरेंट। आप किसी दूसरी कंट्री में गए और आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रेस्टरा, आप देखोगे यार ये तो बिल्कुल अलग है मेरी कंट्री की प्रोनाउंसिएशन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा भी है कि एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद, एक हालांकि रेयर केसेस में बदली जा सकती है किसी भी रीजन से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरी एक कंट्री है, यहाँ पे एक वर्ड किसी ढंग से प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कल को एक मेजोरिटी जो नई जनरेशन आई वो इसे अलग ढंग से प्रोनाउंस करना शुरू कर देती है, तो मेरी कंट्री जो हमारी डिक्शनरीज हैं वहां पे उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज करा सकती है। मतलब कंट्री टू कंट्री एसेंट वेरी कर सकता है, टाइम के साथ भी किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया जा सकता है। और ये सब किस लिए, मतलब यहां से एक चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है, उन्होंने कोई बेस डिसाइड नहीं किया था प्रोनाउंसिएशन का, वो सब मैनुअली कर रहे हैं। एक जो स्ट्रेस का सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे मुझे किसी वोवल पे स्ट्रेस देना है तो मैं यूजुअली इंग्लिश में क्या करता हूँ, दो वोवल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे कोई वर्ड प्रोनाउंस करना है, कोई भी मान लो कीन, तो डबल ई लगा दिया। इस टाइप से मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन मैं क्या करता हूँ। हिंदी में क्या होता है दोस्तों, हर एक चीज के लिए एक ही वाउल काफी होता है। मतलब उसे बनाया इस ढंग से गया, देखा होगा छोटी ई, एक बड़ी ई, मतलब कि पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है कि कहाँ स्ट्रेस देने के लिए क्या चीज है और स्ट्रेस नहीं देने के लिए क्या चीज है। हमने देखा होगा हिंदी में हाफ वो भी होते हैं, जैसे क का आधा, आधा क, आधा ब, इस टाइप से बहुत सारी चीजें जो बहुत सोच समझ के बनाई गई है स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखो यार, ये एक मशीन है, एक मशीन, मैं इसे कुछ इनपुट देने वाला हूं और इसे वो इनपुट एक्सेप्ट करना है। मैंने इसे बोला प्रे। अब ये मशीन है दोस्तों, मशीन, मैंने इसे बोला प्रे,
ये दो इनपुट्स ले सकती है, एक पी आर ई वाई और एक पी आर ए वाई, दोनों की साउंड, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है दोस्तों। अब यार ये तो बड़ी दिक्कत है, मतलब कि दोनों बिल्कुल अलग हैं, प्रे एक अलग चीज है, प्रे एक अलग चीज है, भले साउंड सेम हो। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा है, हर जगह आप प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश और हिंदी को कंपेयर करेंगे तो हिंदी जीतती ही रहेगी। आप इसके बारे में बहुत आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं शब्द बोलता हूँ हरियाणा, ठीक है, इसमें एक जो साउंड आती है ना की, ये साउंड इंग्लिश में मैं नहीं लिख सकता। और हिंदी को पूरा कोशिश की गई है कि इस टाइप से बनाया जाए जो भी साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो साउंड लिखी जा सके। अब जो भी साउंड एक मशीन सुनती है वो साउंड वो लिख सके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन पार्ट में हर जगह हिंदी इंग्लिश को बीट कर लिया है। और इतना ही नहीं, ग्रामेटिकली भी, सिंटेक्स में भी, हर चीज में हिंदी का इंग्लिश से थोड़ा ज्यादा स्टैंड है। आप इसके बारे में और ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हैवी स्टैंड हिंदी इंग्लिश के मुकाबले लिए हुई है। जो भी है दोस्तों, हमारी लिपि की वजह से हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, सारी बहुत ही हाईली सिस्टमेटिकली बनाई गई, और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई गई है। अब बात आती है दोस्तों संस्कृत की। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं संस्कृत हिंदी से बेटर है, सिंटेक्स में भी, ग्रामेटिकली भी, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में सिमिलर भी है। आज से करीबन 2000 साल पहले एक बंदा पाणिनि, उसने क्या किया था, वैदिक संस्कृत पे बहुत ज्यादा वर्क किया था, बहुत ज्यादा वर्क किया था, 4000 वर्सेज या फिर कह लो 4000 रूल्स बनाए थे और वैदिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत में कन्वर्ट किया था। मतलब उसने बहुत ही ज्यादा सिंटैक्स बेस्ड और ग्रामेटिकल बहुत इंप्रूव कर दिया, उस लैंग्वेज को इंप्रूव कर दिया, कह लो चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया। अब जो 4000 है या 5000 है, जो भी 10000 भी होता, मशीन के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मशीन को उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, कुछ माइनर कॉम्प्लेक्सिटी मान लो, ठीक है, उसे भी इग्नोर कर दो। हमारे लिए है, हो सकते यार हम इतने रूल्स कैसे फॉलो करेंगे, मशीन बनी ही होती है रूल्स को फॉलो करने के लिए। तो अगर मैं कहीं ना कहीं ये कहूं कि अगर मैं नेचुरल लैंग्वेजेस एक मशीन से इंट्रैक्शन के लिए यूज करना चाहता हूं तो संस्कृत सबसे ज्यादा अफेक्टिव लैंग्वेज है, क्योंकि सिस्टमेटिकली, ग्रामेटिकली और बहुत सारी चीजों को देखा जाए तो बहुत बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव है एक मशीन और हमारी इंट्रैक्शन के लिए, या दो मशीन्स की इंट्रैक्शन के लिए। ऐसा ही कुछ कहा था रिक ब्रिग्स ने। दोस्तों रिक ब्रिग्स नासा के एक बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, क्या एक तरह से कह लो एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने एक आर्टिकल में मेंशन किया कि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी हैं, बहुत कुछ किया है। एक संस्कृत एक बहुत ही अफेक्टिव लैंग्वेज साबित हो सकती है नॉलेज को डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए और मशीन्स के साथ इंट्रैक्शन के लिए। उस बंदे ने जो एग्जैक्ट आर्टिकल लिखा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही बड़ा है, लोगों ने उसे अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी डिबेट्स मिलेंगी अलग अलग वेबसाइट्स पे, कोरा पे खासकर बहुत सारी। तो दोस्तों हम उसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उसने बहुत चीजों पे स्ट्रेस डाला है, जैसे कि जो इसका FWO या फ्री वर्ड ऑर्डर नेचर है, आपने देखा होगा संस्कृत में एक लाइन लिखी होती है तो अव्यम को हम चेंज करते हैं जो ए होता है तो पूरा मतलब बदलता रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो हमारी वर्ब होती है उसकी पोजिशन वही रहती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों संस्कृत की। इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मेंशन किया है इनडायरेक्टली कि जो वर्ड टू इन्फॉर्मेशन काउंट रेशियो है संस्कृत का वो बहुत ज्यादा हाई है, हालांकि इसका शायद कहीं ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला मुझे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम वहां से निकाली गई हैं, बहुत लोगों ने उसे अच्छे से इंटरप्रेट किया हुआ है। तो मतलब ओवरऑल उन्होंने संस्कृत को सपोर्ट किया हुआ है, इनफैक्ट उन्होंने और किसी लैंग्वेज की बात नहीं की है, हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने और लैंग्वेज को स्टडी किया है, लेकिन संस्कृत ज्यादा एक अफेक्टिव लैंग्वेज है। उन्होंने मेन जो लिखा है आर्टिकल लिखा ही संस्कृत के बारे में, तो उन्होंने पाणिनि के वर्क को अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि पाणिनि का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा कि कोई उस बंदे को अपोज नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी संस्कृत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत अलग अलग आपको इस बारे में रिव्यूज मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और संस्कृत का FWO नेचर होने की वजह से, फ्री वर्ड ऑर्डर, काफी हद तक हमारी संस्कृत का FWO नेचर है, 95% मान लो या उससे भी ज्यादा मान लो, इस लाइन पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। जो भी है उसकी वजह से वो ये बंदा ये मानता है कि एरेज में या फिर कह लो सेट ऑफ ट्रिपलेट्स में जो उसने रिप्रेजेंट किया वहां पे,
वर्ड को स्टोर करने के लिए, मतलब कि जो हम लाइन बोलते हैं उसको एज ए डाटा स्टोर करने के लिए एरे में सबसे इफेक्टिव लैंग्वेज संस्कृत है। मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, उसने बहुत डीप चीजें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। कहीं ना कहीं लोगों ने उसे सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही जस्टिफाइबल आंसर्स भी मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसा। लेकिन एक बार हम फाइनल एक कंक्लूजन पे आते हैं, देखो दोस्तों, उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, यार ये बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, उसके लिए एक इफेक्टिव लैंग्वेज है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो उसने समझाया हुआ ना सेट ऑफ ट्रिपलेट्स के थ्रू, एरेज के थ्रू, वो सिर्फ एक डाटा का स्टोरेज समझाना चाहता है एक बेसिक लेवल पे। उसने बस ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एक मैं मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ बेसिक वे पे, एक मशीन एक ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहती है कुछ हद तक, वहां पर कहीं ना कहीं संस्कृत एक बेटर ऑप्शन है। बल्कि बिल्कुल जो प्रोग्रामिंग का एक छोटा बिल्कुल मोस्ट बेसिक चीज लगा लो वहां तक के लिए। तो दोस्तों ये कहना गलत है जो हम बोलते हैं कि नासा ने संस्कृत के बारे में ये बोला कि वो संस्कृत को एक्सेप्ट करने वाले हैं ये वो। अरे नासा ने तो कभी एज ए होल संस्कृत के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। वो नासा के एक साइंटिस्ट का एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसमें वो एक लाइन है संस्कृत को लेकर, थोड़ी और भी लाइन्स हैं जहां पे उसको एक्सप्लेन किया गया है, वहां से ये चीजें पिक की गई हैं। लेकिन वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है दोस्तों। और उससे भी गलत है ये कहना कि नासा में हमारे 40% साइंटिस्ट हैं या 50% साइंटिस्ट हैं, जो भी, ये सब चीजें पॉलिटिशियंस ने फैलाई हैं। कभी इनका बेस पढ़ लेना बैठ गई, ये सब है क्या रियलिटी में यार? कहां 3% है और कहां 40% है, कहां 3 है और कहां 40 है। मतलब कि तुम एक बार एग्जैक्टली स्टडी करना, जहां तक हो उसके ऑफिशियल सोर्सेज चेक करना, अलग अलग ईयर्स के जो भी तुम्हें मिले, तुम देखोगे 3% के नियर अराउंड होते वो हमेशा, और ये लोग 40% 50% पता नहीं क्या क्या बना देते हैं उसका। जो भी है दोस्तों, देखो कहीं ना कहीं तुम ये देखो, हमारी लैंग्वेज जो थी जो है वो इंग्लिश से बहुत ऊपर है बहुत सारी। संस्कृत तो एक अनमैचेबल लैंग्वेज है काफी हद तक। अब भाई हम चैलेंज भी करते हैं उस बंदे को, लेकिन वो बंदा नासा का एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है और मशीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करता है, तो उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है उसकी लाइंस को। जो भी है दोस्तों, हमें हमारे कल्चर पे प्राउड होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज पे भी, और हमें दूसरों की लैंग्वेज और दूसरों के कल्चर का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं तुम फिर भी यही सोच रहे होगे, देखो यार ये संस्कृत इंग्लिश से ज़्यादा इफेक्टिव थी, ज़्यादा बेटर लैंग्वेज है काफ़ी हद तक, फिर भी इंग्लिश ने इन चीज़ों को ओवरटेक कर लिया, भाई रूल कर रहे थे। और तुम्हें पता है ना, इग्नोरेंस ब्रीड्स सुप्रीमेसी, हमारे लोग थोड़े इग्नोरेंट थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। जो भी है, ये वीडियो आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, हाँ कुछ लोग फाइट कर सकते हैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश का एक इन्फ्लुएंस है हर जगह आजकल, ऑब्वियसली फाइट तो करेंगे ही, कर सकते हैं, बट कहीं हर्ट होने की जरूरत नहीं है यार, ये बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है और इसमें हर्ट होने का कुछ है भी नहीं, और वैसे भी आप में से ज़्यादातर इंडियंस होंगे, तो हमें तो प्राउड होना चाहिए। जो भी है दोस्तों, ये सीरीज आपको हो सकता है थोड़ी अजीब लग रही हो, ये टेक्निकल सीरीज नहीं है थोड़ी, लेकिन ट्रस्ट में ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।